नमस्कार व्यूवर्स, एक व्यूवर का फोन आया है, सॉरी मैसेज आया है कि सर कौन सी जगह मकान बनाना चाहिए, मुझे किस शहर में बसना चाहिए। उसने अपने शहर का नाम भी बताया है, मकान मुझे कहाँ बनाना चाहिए ये जरूर बताइए। तो मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि आप कहीं भी मकान बनाइए, मगर मकान बनाते वक्त आप 5 चीजों का जरूर ध्यान दीजिए। पहली चीज, आप जिस शहर में मकान बना रहे हैं वो शहर आपको रोजगार जरूर दे पाए। ध्यान दीजिए मेरे एक एक शब्द को, वो 5 पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके जीवन का बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं आपके जीवन को। आप रोजगार और कहीं करते हैं और बसते और कहीं हैं, तो आपकी टाइम आपका मकान बनाना बेकार हो जाएगा, क्योंकि मकान बना करके 20-30-50 लाख रुपए आपने लगा भी दिए और रोजगार आपको कहीं दूसरी जगह मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वहां मकान बनाने का आपका कोई औचित्य नहीं रह जाता है और जीवन भर आप परेशान रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, पापा कहीं है, आप कहीं है, बच्चे कहीं है, औलाद कहीं है, और पोते पोतियों के तो खेलने खिलाने के सपने ही लेने पड़ेंगे आपको। ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा उस जगह आप मकान मत बनाइए जहां आपको रोजगार उपलब्ध नहीं हो। दूसरी बात, उस गली में आपको मकान नहीं बनाना चाहिए जिस गली में आपको मेडिकल एड नहीं मिलती हो। स्वास्थ्य का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, और स्वास्थ्य को ही मतलब अपने यहां एक कहावत है कि ऋणकर्ता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडित है। ये तो 4 तो दुश्मन हो गए और 4 ही मित्र होते हैं। कौन कौन से? विद्या मित्र प्रवास्यसु, भार्या मित्रम गृहं च, व्याधि तस्य औषधि मित्रम, धर्म मित्रम मरणम च। जिसके रोग हो जाता है उसकी दवाई मित्र होती है, और दवाई आपको जितनी जल्दी सुलभ हो सके, मेडिकल सुविधाएं आपको जितनी जल्दी मिल सके, ऐसी जगह मकान बनाइए। आप कहीं ऐसी जगह मकान बना लेते हैं जहां पे आपको मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है और आपको 8-10 किलोमीटर दूसरी मेडिकल सुविधा लेने के लिए जाना पड़ता है, वहां तक पहुंचने में तब तक क्या हो जाए कोई पता नहीं चलता, इसलिए मेडिकल सुविधा आपको जरूर मिलनी चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जहां भी आप मकान बनाएं, वो मकान आपका परिवार के आसपास होना चाहिए। मेरे पिताजी कहा करते थे कि ठाकुर द्वारा पंडिता, खेत पूत परिवार, इतना तो नेड़ा भला, जाइए 100-100 बार। ठाकुर द्वारा यानी भगवान का मंदिर, ठाकुर द्वारा पंडिता, पंडित जो आपको आध्यात्मिक गुरु जिसको कह सकते हैं, या आपको सांसारिक जीवन में जरूरत पड़ने वाली पूजा पद्धति के बारे में बताए, ठाकुर द्वारा पंडिता, खेत पूत परिवार, खेत भी नजदीक होना चाहिए घर से। घर से खेत की दूरी 15 किलोमीटर की है तो आपका जाना आना मुश्किल हो जाएगा। पूत यानी बच्चे आपके आसपास रह सकें, ऐसी जगह आप घर बनाइए। खेत पूत परिवार, आपका परिवार भी नजदीक हो, तो ऐसी जगह आप यदि घर बनाते हैं तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका चलता रहता है। अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि जहां आपके सामान समाज, आपके सामान का समाज हो, उस लोकेलिटी में आपको मकान बनाना चाहिए जहां आपकी जाति के समाज के लोग हों, जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, जो आपकी संस्कृति को समझते हों। आप किसी अंग्रेजी कल्चर में फंस जाएंगे तो वहां आपके बच्चे भी उसी कल्चर में हो जाएंगे और अपनी स्वयं के कल्चर भूल जाएंगे। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूंगा कि जहां भी आप मकान बनाएं, वहां की लोकेलिटी आपके हिसाब से होनी चाहिए, आपकी इनकम के हिसाब से भी होनी चाहिए। हाँ, पता नहीं चलता, चेंज होती रहती है, ये मैं मानता हूं, मगर जब आप मकान बना ही रहे हैं तो आप मान लीजिए कि ये अरबपतियों की कॉलोनी में मकान बना लेते हैं और खुद लखपति हैं,
तो समस्याएं हो जाती हैं। वो अरबपति, पड़ोस वाला अरबपति आपके मकान के बराबर वाला 11 तल्ले की बिल्डिंग बना के खड़ी कर देगा और आपकी बिल्डिंग 2 तल्ले की है, तो समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए समान विचारधारा, समान संस्कृति, समान समाज में आपको मकान बनाना चाहिए। ये मेरे विचार हैं, आप इनसे सहमत हो नहीं हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो तजुर्बा मैंने 70 साल की उम्र में पाया है वो आपके सामने प्रस्तुत किया है। हो सकता है आप इनमें से कुछ बातों पर सहमत नहीं हो, कुछ बातों पर सहमत हो, कुछ बातें आपके पच रही हो, कुछ नहीं पच रही हो, मगर मैं मानता हूं कि इनमें से 99% बातें आपके आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर समझ में आएंगी। क्योंकि बुजुर्गों की बातें तब समझ में आती हैं जब आप स्वयं ऐसे बाड़े वाले हो जाएंगे, 70 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे, उस दिन आपको समझ में आएगी कि दादाजी ने जो बात कही थी वो सही थी, उस समय मैं गलत था मगर मान रहा था दादाजी को गलत। आशा है मेरी जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगी हैं तो मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि अच्छी नहीं लगी है तो सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे अनुभव शेयर करना है। नमस्कार।